तो आज के पाइथन क्लास में हम लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाटाबेस, उससे पहले हम लोग को देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास डाटाबेस सिस्टम होना पड़ेगा। तो अच्छा, तो डाटाबेस के लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे डाटाबेस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। डाटाबेस सॉफ्टवेयर फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो जंप यूज़ करेंगे। मैं तुम लोग को दिखा दूँ पहले सिस्टम को कैसे डाटाबेस सर्वर के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा वो हो गया जंप। तो ये ओपन सोर्स है, मैं कैसे डाउनलोड करना है मैं दिखाता हूँ तुम लोग को इसको। तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लो और यहाँ पे तुम टाइप करो जंप, XAMP, जंप, ठीक है, जंप डाउनलोड, और एंटर प्रेस करना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आएगा वही जंप डाउनलोड का लिंक है, और ये हो गया। तो यहाँ से जंप को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे अलग अलग वर्जनस है, कोई भी एक वर्ज़न इसमें से तुम डाउनलोड कर सकते हो। ये विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए भी अलग अलग है, मैक के लिए भी है, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना, 155 समथिंग MB का है, विंडोज़ के लिए है। तो वंस यू डाउनलोड यू हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, ये कोई बड़ा इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, छोटा सा एप्लीकेशन है। जस्ट इसमें इंस्टॉल करने के लिए तुमको सिंपली उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो भी डाउनलोड होगा, समझ लो अगर मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा ये इस तरह से। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मेरा डाउनलोड है यहाँ पे। तो ये जो exe फाइल होगा इसको तुमको रन करना होगा। सिंपली इसको इंस्टॉल करने के लिए इस exe फाइल जो है इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, ये जंप वाला सॉफ्टवेयर तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक जंप एक तरह का सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग अपने सिस्टम को डाटाबेस सर्वर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जंप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे दो सर्विस होता है, उन दो सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ पहले, समझ लो मैंने यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जंप इंस्टॉल्ड है, और ऑलरेडी यहाँ पे जंप इंस्टॉल्ड है, और जंप को मैं ओपन करता हूँ, लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के लिए जस्ट टाइप करना जंप कंट्रोल पैनल। ओनली कंट्रोल पैनल नहीं, ध्यान रखना, एक तो होता है तुम्हारा सिस्टम का कंट्रोल पैनल और दूसरा होता है जंप कंट्रोल पैनल। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करके तुमको लॉन्च करना है जंप कंट्रोल पैनल। दिस इज़ जंप कंट्रोल पैनल, ठीक है। और यहाँ पे जो तो पहला सर्विस है, इन दोनों को सर्विस को स्टार्ट करना होगा। स्पेशली माई एस क्यूएल सर्विस अभी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, फिर भी मैं दोनों को स्टार्ट कर लेता हूँ। माई एस क्यूएल ये वाला सर्विस हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो तुम्हें काम करना दोनों को ही, पहला जो दो सर्विस है दोनों को स्टार्ट कर लेना। तो जंप के थ्रू हम लोग अपना सिस्टम को माई एस क्यूएल सर्वर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। जंप इंस्टॉल करने के बाद ये सर्विस रन करने के बाद तुम्हारा सिस्टम एज ए माई एस क्यूएल सर्वर की तरह ट्रीट कर तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी ये जो मेरा सिस्टम है अभी एक तरह से माई एस क्यूएल सर्वर बन चुका है। ये कैसे बना, सिंपली ये जंप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद ये दोनों सर्विस, ये स्पेशली ये माई एस क्यूएल सर्विस को स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा सिस्टम एक तरह से डाटाबेस सर्वर बन जाएगा। अभी जो यहाँ पे डाटाबेस सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या डाटाबेस सर्वर होगा, माई एस क्यूएल का डाटाबेस, क्योंकि डाटाबेस सर्वर अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर से इसको कन्फिगर कर सकते हैं, जैसे माई एस क्यूएल, ओरेकल एस क्यूएल, ठीक है, मारिया डी भी अलग अलग होगी इस तरह से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माई एस क्यूएल। अच्छा, तो चलो, तो पहला काम तो ये हो गया कि तुमको डाटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माई एस क्यूएल को यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस के हिसाब से। अगला स्टेप ये है कि अच्छा, अगला स्टेप ये है, देखो अभी मैं पाइथन में कुछ कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुमको डाटाबेस सर्वर जो है उसको कैसे एक्सेस करना है, माई एस क्यूएल डाटाबेस सर्वर को कैसे एक्सेस करके, एक्सेस कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ। तो इसको मिनिमाइज़ कर लो और एक ब्राउज़र को ओपन कर लो, और यहाँ पे तुम टाइप करो 127, मैं एक नया सा टैब ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे टाइप करो 127.001/phpMyAdmin टाइप करना है यहाँ पे, phpMyAdmin। ध्यान रखना यही तुम्हारा केस में यही होगा एड्रेस, और यही लिखना पड़ेगा तुमको 127 डॉट, ये लोकल होस्ट का आईपी है, 127.0.0.1/phpMyAdmin, ये टाइप करते हुए एंटर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे जो डाटाबेस माई एस क्यूएल डाटाबेस सर्वर का हम लोग उसको वेब बेस्ड कंसोल उसका एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग
न्यू डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सब काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी करेंगे पाइथन का कोडिंग के थ्रू ही करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस, फिलहाल मेरे इस सिस्टम में क्या क्या डाटा, अभी तो ये डाटाबेस सर्वर बन चुका है और यहाँ पे मैंने क्या क्या डाटाबेस बना के रखा है। यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्या क्या डाटाबेस है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। मतलब फिलहाल मेरा सिस्टम में ये सब डाटाबेस बना हुआ है, ऐसे भी यहाँ पे शो कर रहा है ये सब, लेकिन ये सब डाटाबेस पहले से बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग नेम के डाटाबेस है यहाँ पे। और डाटाबेस के अंदर क्या होता है, हर एक डाटाबेस तुम कोई भी इसमें से कोई भी डाटाबेस को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, समझ लो कि माय वेबसाइट, ठीक है, इसको मैंने क्लिक करता हूँ, इस पर्टिकुलर डाटाबेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, टेबल होगा। कोई भी एक डाटाबेस के अंदर तुम टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा इस तरह का टेबल बना हुआ है, तो मैं दूसरा कोई तुमको डाटाबेस दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, मैं माई डी बी डाटाबेस लेता हूँ, और इसके अंदर भी कुछ टेबल, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इस डाटाबेस के अंदर दो टेबल है, माई डी बी डाटाबेस के अंदर दो टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स लिखा हुआ है, देखो कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है, मतलब डाटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल होगा। तो यहाँ पे टेबल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने मैन्युअली क्रिएट किया यहाँ पे। तो तुमको करना क्या होगा, सबसे पहला काम ये है कि डाटाबेस सर्वर को रन करना, डाटाबेस सर्वर को इंस्टॉल करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा उसको, मतलब जाम को इंस्टॉल करते हुए, अपाची सर्विस एंड MySQL सर्विस को इंस्टॉल रन करते हुए। सेकेंडली डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है भाया दिस टाइप ऑफ वे, इस तरह से तुम ब्राउज़र में जाते हो इस तरह के टाइप करके। हाँ हाँ, एक्चुअली माई एसक्यूएल सर्वर हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अपाची को भी एक्टिव करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाया वेब ब्राउज़र इसको एक्सेस करेंगे ना, इसीलिए। तो दोनों को शेयर कर लेना, दोनों को शेयर कर लेना तुम लोग। तो डाटाबेस के अंदर डाटाबेस, फिर इसको एक्सेस करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को अवेलेबल डाटाबेस मिल जाएगा, या तो हम लोग न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं ये। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सब पाइथन से करेंगे, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो जो भी हम लोग पाइथन में जो भी यहाँ पे डाटाबेस से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका हम लोग रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, और पाइथन में भी उसको चेक कर सकते हैं। सब कुछ बनाना पड़ेगा हम लोग, ये पहले से ही बना हुआ है, मैंने प्रीवियस जो क्लास किया था उन लोगों का ये सब टॉपिक से, उन लोगों का बना हुआ मैंने दिखाया था। वही तो बोल रहा हूँ, ये सब पहले से ही बना हुआ है, ये सब पहले से ही बना हुआ है, मतलब पहले से मतलब मैंने बनाया है, ठीक है, मैन्युअली बनाया है मैंने। लेकिन कुछ कुछ डाटाबेस यहाँ पे डिफॉल्ट में आ जाएगा, तुम जब लॉन्च करोगे तुम्हारा वहाँ पे भी, तुम कुछ कुछ डाटाबेस पहले से ही बना हुआ रह जाएगा, वो डिफॉल्ट में रहता है, और कुछ बाकी डाटाबेस मैंने बनाया, जैसे यहाँ पे माय डाटाबेस लिखा हुआ है, माय डीबी, ये सब मैंने बनाया है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ डिफॉल्ट में होता है, जिसको जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये डिफॉल्ट में तुमको मिल जाएगा। तुमको ये सबसे कुछ शेयर कहीं नहीं करना है, तुमको अपना डाटाबेस बनाना है और उसके साथ डील करना है, जो पहले से बना हुआ है उसको तुम छोड़ दो, ठीक है। डिफॉल्ट में कुछ रहेगा नहीं, तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो, मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, वही मैं जा रहा हूँ उसमें उसी को मैं डिस्कस करूँगा ना, अभी मैं उसी को डिस्कस करूँगा। तो सर कौन सा सॉफ्टवेयर सर? हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बोला आपने? ये जंप जंप सॉफ्टवेयर, ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ, XAMPP, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना पहले। अच्छा, तो अभी हम लोग वही सब सीखेंगे यहाँ पे, तो इतना तुम लोग घबराओ मत, यहाँ वही सब मैं सिखाऊंगा। मैं डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल, ये मैं जस्ट यहाँ पे पहले से जो है उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन पहले तुम्हारा काम क्या होगा, तुमको अभी सबसे पहले करना क्या होगा, जाम को इंस्टॉल करना है। जाम को इंस्टॉल करने के बाद जाम कंट्रोल को लॉन्च करना है, ये दोनों सर्विस को स्टार्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आके PHP माई एडमिन, ये जो मैं टाइप किया इस तरह से, यहाँ पे आके ब्राउज़र में आके इसको बस ओपन करके रखना है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है तुमको, यहाँ से भी कर सकते हो, बात ये अलग है कि हम लोग यहाँ से भी डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो करेंगे सब पाइथन का कोडिंग से करेंगे बस। लेकिन यहाँ पे पाइथन का कोडिंग में करने से पहले यहाँ से इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जब तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर डाटाबेस क्रिएट करना है तो तुम यहाँ पे जाओगे, डाटाबेस में ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग सब वहीं से करेंगे। तो फिलहाल जो भी डाटाबेस हम लोग वहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। डाटाबेस के अंदर होता है टेबल, जैसे मैं कोई पुराना डाटाबेस का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे MyDB, तो देखो ये पुराना डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है, इसके अंदर दो टेबल है, टेबल अपने आप से नहीं बना, हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पुराना डाटाबेस है, उसके अंदर दो टेबल पहले से बना हुआ है,
तो टेबल होता है, टेबल के अंदर एक्चुअल डाटा होता है रो एंड रो के फॉर्मेट में, तो वही सब हम लोग करेंगे अभी, देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दो, जस्ट इसको ओपन करके रख दो, ठीक है। जस्ट इसको इस तरह से तुम जब करोगे इसको जस्ट लॉन्च करके रख देना, बाद में इसमें आएंगे हम लोग वेरीफाई करने के लिए, फिलहाल इसको मिनिमाइज़ करके रखते हैं हम लोग। अभी हम लोग चलते हैं अपना पाइथन का कंसोल पे, पाइथन कंसोल पे। तो ये देखो हम लोग आज का टॉपिक है एक्चुअली मेनली डाटाबेस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। मतलब पाइथन को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, डाटाबेस के साथ कैसे डाटा मतलब डाटाबेस के साथ जो भी एक्टिविटी होगा वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पाइथन को डाटाबेस के साथ, तुम्हारा पाइथन एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक मॉड्यूल चाहिए होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जीयूआई प्रोग्रामिंग करने के लिए एक किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो, अभी आज हम लोग यहाँ पे कोई भी जीयूआई का काम नहीं करेंगे, जस्ट डाटाबेस के साथ जुड़ा हुआ काम करेंगे। तो डाटाबेस के साथ तुम्हारा पाइथन एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए तुमको जो मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा वो मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे टाइप करना इम्पोर्ट MySQL.connector, ये वाला मॉड्यूल तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बात है लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में ये जो मॉड्यूल है ये तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं भी हो सकता है, तो किसी किसी का होता है, अगर नहीं है तो मैं बाद में अलग सा एक क्लास करके समझा दूंगा इस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है, या तो इसी क्लास के आखिर में अगर समय मिला, नहीं तो अगला क्लास में दिखा दूंगा। फिलहाल तुम लोग जस्ट यहाँ पे जान लो कि ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम किंटर मॉड्यूल तुमने इंपोर्ट किया था, तो किंटर मॉड्यूल तो बाय डिफॉल्ट में होता ही है, उसके लिए तुमको कोई अलग से उसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है MySQL.connector, ये बाय डिफॉल्ट में तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन अगर है तो ये काम कर जाएगा। देखो तुमको पता कैसे चलेगा कि ये मॉड्यूल तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है, जस्ट यहाँ पे इस तरह से टाइप करो इम्पोर्ट MySQL.connector और इसको रन करके देखो, अगर कुछ इरर आ रहा है, जिसके मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर कोई इरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, नो इरर, इसका मतलब ये जो मॉड्यूल है ऑलरेडी मेरा सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और इसको ही मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसको रन करने से जस्ट इतना सा लिख के तुम रन करके देखना, अगर यहाँ पे इरर मैसेज दिख रहा है तो मतलब समझना कि ये मॉड्यूल तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना है मैं वो या तो आज का क्लास के आखिर में दिखा दूंगा, नहीं तो अगला क्लास में पहले ही मैं इसको तुमको बोल दूंगा, ठीक है। पहले मैं डाटाबेस का काम तुमको सिखा लूँ, तो वो भी एक छोटा सा स्टेप है, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो सबसे पहले ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेस से जुड़ा हुआ एक्टिविटी करने के लिए ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो ये मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल हम लोग कोई जीयूआई का काम नहीं करेंगे, इसलिए किंटर मॉड्यूल का हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, तुम्हारा पाइथन जो एप्लीकेशन है उसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये मॉड्यूल हो गया, इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम हो गया है कनेक्ट फंक्शन। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MySQL.connector. तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, उसमें से हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर ये एक फंक्शन है या तो मेथड है जिसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए ये एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना होगा हम लोग को, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू पास करना होगा, वैल्यू क्या पास करना होगा कि ये पास करना होगा कि तुम्हारा जो डाटाबेस सर्वर है वो कौन सा सिस्टम पे है। यहाँ पे लिखना होगा होस्ट, लिखने के बाद यहाँ पे डाटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस, जैसे मैंने दिया 127.0.0.1, क्योंकि थोड़ा देर पहले तुम लोगों को देखा था जब मैं डाटाबेस सर्वर को मैंने वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया था तो उसका आईपी क्या था, ये था। तो ये जो आईपी है लोकल होस्ट आईपी है, तुम्हारा खुद का सिस्टम का, हर सिस्टम का अपना आईपी होता है, लोकल होस्ट आईपी यही होता है। तो हम लोग ने डाटाबेस सर्वर को इसी सिस्टम में इंस्टॉल किया था, इसीलिए इसी सिस्टम का ये आईपी है, तो यही आईपी होगा डाटाबेस सर्वर का आईपी, ठीक है। तो इसी आईपी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखना है होस्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखना है यूज़र नेम, मतलब डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जब तुम जाम्प को इंस्टॉल करोगे, जाम्प इंस्टॉल करते ही डाटाबेस सर्वर तुम्हारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो उसका एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है, मैं वही दिख के देता हूँ, तुम लोग भी इसी को यूज़ करना। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है इसका रूट, इसको चेंज मत करना, यही लिखना तुम लोग, यही जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वैसे ही लिखना, क्योंकि हर सिस्टम में ये सेम रेप्लिकेबल रहेगा। बाद में तुम इसका यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, अलग बात है, फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट में उसी को यूज़ करो। तो कौन सा सिस्टम में डाटाबेस सर्वर है, इस पर्टिकुलर आईपी में जो सिस्टम चल रहा है उसमें डाटाबेस सर्वर है,
उस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम क्या होगा, रूट होगा, ये सब डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड उसका हमेशा ब्लैंक रहेगा, ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक रहता है, बाद में तुम इसको पासवर्ड असाइन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ब्लैंक वाला जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसी को यूज़ करेंगे। तो पासवर्ड में मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली लिखा, क्योंकि पासवर्ड इसके इससे जुड़ा हुआ कोई पासवर्ड अभी यहाँ पे असाइन नहीं है। तो ये हो गया बस इतना सा, मतलब डाटाबेस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए उससे जुड़ा हुआ कुछ डिटेल्स, मतलब उस डाटाबेस सर्वर कौन सा आईपी में, कौन सा सिस्टम में चल रहा है, इस सिस्टम में चल रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम होगा ये, उसको एक्सेस करने के लिए उस यूज़र नेम से जुड़ा हुआ पासवर्ड होगा ये ब्लैंक। तो बस ये मैंने इस तरह से पास कर दिया। और जो भी यहाँ पे इसको अगर रन करके देखो, अगर कुछ भी इशू हुआ तो इरोर आ जाएगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे कोई इरोर नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी इरोर मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड है ये प्रॉपरली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसका मतलब डाटाबेस के साथ मेरा इस एप्लीकेशन का एक तरह से कनेक्ट हो चुका है। इसको रन करने का मतलब ये है कि डाटाबेस के साथ तुम्हारे सिस्टम का कनेक्शन हो चुका है। ये जो कनेक्शन हो चुका है इसको हम लोग किसी ना किसी एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन करके रख देते हैं। जो भी कनेक्शन इस्टाब्लिश हुआ उसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन करके रख देते हैं। कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लो, जैसे मैंने नाम दे दिया माई डीबी। तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, तुमको पता है वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस रूल तुमको फॉलो करना है वेरिएबल का नेमिंग का। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया माई डीबी, और उसमें मैंने क्या किया, जो भी डाटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या, तुम्हारा पाइथन एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो गया, हाँ पहला काम ये हो गया, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुका है। अगर कुछ भी इरोर होगा तो रन करके देखना, अगर इरोर आए तो मतलब यहाँ पे कुछ इरोर है। तो अगर तुम्हारा कोड में कुछ भी गलत हुआ है तो यहाँ पे रन करके देख लेना, तो इरोर आया तो तुम्हारा कोड में कुछ मतलब मिस्टेक तुमने किया। अच्छा, अगला स्टेप में आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, डाटाबेस के साथ कनेक्ट होने के बाद सबसे पहला काम, डाटाबेस के साथ मैंने देखो डाटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन हुआ है, मेरा पाइथन एप्लीकेशन का डाटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ है। अभी क्या करना है मुझे, उस डाटाबेस सर्वर में मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करना है। जैसे तुमको यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये तो हो गया डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करने का कंसोल, और यहाँ पे इस डाटाबेस सर्वर में अभी फिलहाल राइट नाउ ये सब डाटाबेस अवेलेबल है, लेकिन अभी हम लोग एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे, वो भी पाइथन से, पाइथन का एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैंने कनेक्ट तो कर लिया है, अभी डाटाबेस क्रिएट करने का हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो डाटाबेस क्रिएट करने का काम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे एक और एक वेरिएबल ले लो जिसका मैंने नाम लिया माय कर्सर, ये एक वेरिएबल का नाम है। अच्छा, ये मैं करता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ, माय डीबी डॉट कर्सर, ठीक है, माय डीबी डॉट कर्सर। कर्सर एक तरह का इनबिल्ट फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करते हुए हम लोग एक यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, जस्ट वेट, माय कर्सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मैंने डाटाबेस को साथ कनेक्टिविटी किया, उसको मैंने इस वेरिएबल में असाइन किया, और जो भी कनेक्शन इस्टाब्लिश हुआ उस कनेक्शन से जुड़ा हुआ एक फंक्शन होता है कर्सर फंक्शन, उसको कॉल किया, और कॉल करके मैंने कनेक्शन माय कर्सर फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने एक इंस्टेंस बना लिया। मतलब हम लोग जब भी अभी डाटाबेस के साथ कुछ भी डाटाबेस में कुछ भी अगर टास्क परफॉर्म करेंगे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान रखा मैं क्या बोल रहा हूँ, डाटाबेस में समोज डाटाबेस क्रिएट करना है, डाटाबेस में कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, डाटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव करना है, डाटाबेस से कोई डाटा मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है डाटाबेस के साथ, जो भी एक्टिविटी करना है उसके लिए हम लोग इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ये एक तरह से समझ लो कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के बाद एक हम लोगों ने उसका एक इंस्टेंस बना लिया। जब भी कुछ भी करना डाटाबेस के साथ हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, माय कर्सर को यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मेट ही है। अरे क्या हो रहा है, हाँ तो तुम भी ध्यान रखना, जब भी तुम इस तरह डाटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन होगा कर्सर फंक्शन, उसको कॉल करते हुए उसको और एक वेरिएबल में असाइन कर देना जिसका नाम होगा माय कर्सर। इसी को लेकर हम लोग डाटाबेस में एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। तो ये पहला दो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको करना ही पड़ेगा, बाकी जो स्टेप है तुम्हारे अपने हिसाब से होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डाटाबेस में हम लोग एक डाटाबेस, न्यू डाटाबेस सर्वर में हम लोग एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस सर्वर में न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैंने पहले बोला डाटाबेस में कुछ भी एग्जीक्यूशन करना है इस कर्सर को यूज़ करना पड़ेगा, माय कर्सर को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब हाँ कर्सर फंक्शन का काम क्या है सर, हाँ
वही अपना एक कनेक्शन सर क्या होता है सर? डाटाबेस के साथ कुछ भी एग्जीक्यूशन करना है उसके लिए हम लोग एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है उसका, ठीक है? तो वही ये कर रहा है। तो डाटाबेस के साथ जो भी हम लोग को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म कराने के लिए हम लोग को एक कर्सर का जरूरत पड़ता है, एक क्या कर्सर मतलब इंस्टेंस का जरूरत पड़ता है, और उसी को कर्सर फंक्शन के थ्रू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी हम लोगों ने कर्सर क्रिएट किया उसको कहाँ पे रखा हम लोगों ने, माई कर्सर पे असाइन किया, ठीक है? तो अभी देखो जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे इसी से करेंगे, डाटाबेस में जो भी एग्जीक्यूशन कराएंगे इसी माई कर्सर से कराएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट कराओ कहाँ पे, डाटाबेस पे, कौन सा डाटाबेस पे, ये वाला डाटाबेस पे, क्या एग्जीक्यूट कराओ, एक नया डाटाबेस क्रिएट कराओ। तो नया डाटाबेस क्रिएट करने कराने का कमांड हम लोग यहाँ पे इशू कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि क्रिएट क्रिएट डेटाबेस DATABAS डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नेम, जैसे मैंने दे दिया क्या नाम दूँ मैं, चलो पाइथन DB नाम दे दिया मैंने, पाइथन DB, ठीक है? ये हो गया डेटाबेस का नेम, ये हो गया कमांड, इस कमांड के थ्रू, हाँ ये हो गया क्या करा था बार, ये हो गया डाटाबेस का नेम, मतलब माई कर्सर दैट एग्जीक्यूट उस डाटाबेस सर्वर में इस कमांड को एग्जीक्यूट करा दो। देखो कोई भी कमांड डाटाबेस सर्वर में एग्जीक्यूट कराने के लिए माई कर्सर का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। क्या कमांड एग्जीक्यूट कराना है वहाँ पे, ये वाला कमांड। ये कमांड क्या है, कमांड ये है कि क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस क्रिएट करो, और कौन डाटाबेस का नाम क्या होगा, पाइथन DB नाम होगा। तुम डाटाबेस का नेम कुछ भी दे सकते हो, मैंने दिया पाइथन DB, लेकिन ये कमांड है, कमांड तुमको यही लिखना पड़ेगा। ये कमांड हो गया डाटाबेस क्रिएट करने का कमांड, ठीक है? अच्छा अभी इसको हम लोग, अच्छा एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, अगर मेरा कमांड में कुछ भी गलत हुआ तो यहाँ पे इरोर आ जाएगा, ठीक है? तो मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे अभी कोई इरोर नहीं आ रहा है, मतलब मेरा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि डाटाबेस सर्वर में एक पाइथन DB नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। हम लोग चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि पाइथन DB नाम से यहाँ पे कोई डाटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये पुराना वाला पेज ओपन है, राइट क्लिक करके मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे आके देखो पाइथन DB डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, जो कि हम लोगों ने पाइथन का एप्लीकेशन से किया है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं किया है। तुम यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, पाइथन का एप्लीकेशन से। तो हम लोगों ने पहले डाटाबेस के सर्वर के साथ कनेक्ट किया, एक कर्सर क्रिएट किया, उस कर्सर के थ्रू डाटाबेस सर्वर में कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कमांड क्या है, डाटाबेस को क्रिएट करना। तो समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक क्लियर हो गया बात? क्योंकि जब भी तुमको डाटाबेस से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी करना हो, ये सब काम ये पहला ये दो स्टेप तो करना ही पड़ेगा। पहला दो स्टेप क्या है, मोस्ट कॉमन है, करना ही पड़ेगा। और थर्ड जो स्टेप है ये हर बार जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो जब भी तुम एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे ज़रूरी नहीं कि हर टाइम एक नया डाटाबेस क्रिएट हो। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को मैं फिर से अगर रन करूँ तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पाइथन DB नाम डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर से इस एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ तो मतलब बोल रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से डाटाबेस तो है, फिर से ये और नया डाटाबेस क्रिएट नहीं होगा इस नाम से। तुम दूसरा नाम दे सकते हो यहाँ पे, या फिर दूसरा नाम, जैसे मैंने पाइथन DB1 कर दिया, तो इस बार एरर नहीं आएगा। मैं रन करता हूँ, देखो इस बार सक्सेसफुली हो चुका, और यहाँ पे आके देखो पाइथन DB1 नाम से भी एक नया डाटाबेस आ जाएगा। तो ये देखो आ गया। तो मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कमांड हर टाइम एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको हम लोग बाद में अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम लोग को कमांड समझाने के लिए। हाँ सेम सेम, हाँ हाँ सब लोग यही यही एड्रेस यूज़ करना, यही एड्रेस, ठीक है? सेम सेम, हाँ मैं कुछ बात उनको बोल दूँ, मतलब हर सिस्टम का अपना एक लोकल होस्ट IP, हर सिस्टम का अपना एक मतलब IP होता है, ठीक है? लोकल IP होता है, समझ लो, हर सिस्टम के लिए, सिर्फ मेरा सिस्टम का बात नहीं बोल रहा हूँ, हर सिस्टम का अपना एक लोकल IP होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट में वो IP यही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में मतलब तुम्हारा अपना सिस्टम को तुमको अगर खुद वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना है तो तुमको यही IP यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये मेरा सिस्टम के लिए नहीं है, हाँ एक ही हाँ, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट में होता है, लेकिन इसको हम लोग हर सिस्टम को मैन्युअली अलग IP सेट कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये रहता है, डिफ़ॉल्ट में ये रहता है। अच्छा तो जैसे देखो मैं बार बार तुम लोग को बोला कि तुम लोग भी जब डाटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे तुम लोग एज इट इज़ टाइप करना, क्योंकि तुम भी जब जाम्प को इंस्टॉल करोगे रन करोगे तुम्हारे लिए भी यूज़र नेम यही रहेगा और तुम्हारे लिए भी पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, तो और हॉस्ट यही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एज इट इज़ तुमको भी टाइप करना होगा, तभी जाकर काम करेगा, ठीक है?
अगर बाद में कुछ भी इशू हो तो मैं बाद में देख लूँगा, वो अलग बात है, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेना। लेकिन यहाँ पे तुम लोग का इशू आ सकता है, ठीक है, मैं इसको बाद में बोलूँगा कि ये अगर इंस्टॉल नहीं तो यार कार रन नहीं होगा। अच्छा चलो, वो अगर होता है मैं देखूँगा बाद में। हाँ, MySQL के लिए तुमको जाम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जाम्प के थ्रू ही हम लोग MySQL डाटाबेस सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने पहले बोला ना क्लास के शुरू में, पहले ही बोल दिया ये सब। ये सब मैंने पहले ही बोल दिया क्लास के शुरू में, शायद तुम लोग अटेंड। हाँ ओ अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी है तो ज़रूरत नहीं है, नहीं यार देखो MySQL को हम लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं जैम के थ्रू कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट भी उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो अगर पहले से ही तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो सर Apache का क्या करेंगे सर, फिर Apache भी अलग करके डाउनलोड करना? देखो अभी मैं एक तरीके से तुम लोग को सिखा रहा हूँ, तुम लोग अलग तरीके से करोगे दिक्कत होगा ना, इसीलिए जैम को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ उसी से फॉलो करना तुम लोग, नहीं तुम्हारा अभी वहाँ पे है कोई बात नहीं, लेकिन फिर से मैं एक सिस्टम से एक वे से बोल रहा हूँ, तुम अलग वे से ट्राई करते रहोगे तो दिक्कत होगा ना, तो बेहतर होता है कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करते जाओ, बाद में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो अच्छा, तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लो, कुछ भी इरोर होता है तुम जब इम्प्लीमेंट करोगे, तुम्हारे पास जब कुछ भी इरोर आएगा, कुछ भी इशू आएगा, बाद में मैं देखूँगा, कोई बात नहीं वो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे अभी ये तो हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, बार बार ये कमांड हम लोग को एप्लीकेशन में ये कमांड बार बार रन नहीं कराना है, क्योंकि एवरी टाइम ये फिर से रिक्रिएट करने का ट्राई करेगा जब तुम्हारा इरोर आ जाएगा। तो समझ लो मैंने एक बार डाटाबेस क्रिएट कर लिया, अभी मैं इसको यहाँ पे या तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, या तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट करने से क्या होता है ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैंने हैश लगा के इसको कमेंट कर दिया, तो इस बार अगर मैं रन करूँ तो देखो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कनेक्ट हुआ वो सही है, कर्सर भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन डाटाबेस क्रिएट नहीं हो क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि तुम लोग बाद में इस कोड को अपने हिसाब से टाइप कर लेना अपने सिस्टम में, इसलिए मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा हूँ कोड को। अगला स्टेप क्या है, जब हम लोग डाटाबेस के साथ डाटाबेस क्रिएट कर लिया, एक बार मैंने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान दो, ऊपर मैं फिर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो कमांड है यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस बहुत सारा होता है कि नहीं, जैसे ये सब क्या है, ये सब डाटाबेसेस है, तो डाटाबेस सर्वर में दीज आर सो मेनी डाटाबेसेस, तो इनमें से तुमको सिर्फ क्यों ही एक डाटाबेस ही यूज़ करना है, मतलब तुम्हारा जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सिर्फ तुमने जो डाटाबेस क्रिएट किया है उसको ही यूज़ करेगा ना, बाकी का डाटाबेस तो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि डाटाबेस तो बहुत सारा है यहाँ पे, तुमने कौन सा बनाया, जैसे हमने कौन सा बनाया, समझ लो पाइथन डीबी बनाया है, तो मुझे पाइथन डीबी वाला डाटाबेस ही यूज़ करना है, तो उसके लिए एक बार क्रिएट होने के बाद मैं कौन सा डाटाबेस के साथ कनेक्ट मुझे होना है वो मुझे यहाँ पे ही डिफाइन कर देना है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ, पहले नहीं किया था क्योंकि पहले डाटाबेस क्रिएट नहीं हुआ था, एक बार क्रिएट कर लिया फिर मैं यहाँ पे आके डाटाबेस का नेम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मेरे लिए जो डाटाबेस होगा वो डाटाबेस कौन सा होगा, मैंने तो यहाँ पे उसको लिखने का तरीका क्या है, डाटाबेस इक्वल तुम्हारा डाटाबेस का नेम पाइथन python पाइथन डीबी, तो इसका मतलब क्या है, डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ उस पर्टिकुलर डाटाबेस के साथ भी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नेम भी मेंशन कर दिया, ठीक है, तो ये बाद में करना, पहले डाटाबेस को क्रिएट कर लेना उसके बाद डाटाबेस का नेम है, क्योंकि बिना इसको क्रिएट किया अगर डाटाबेस पाइथन डीबी लिख दो ये तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो ये इरर आ जाएगा, ठीक है। समझ लो मैं यहाँ पे पाइथन डीबी 5 करता हूँ, जो कि अभी मेरा डाटाबेस सर्वर में इस तरह का कोई डाटाबेस है ही नहीं, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इरर आ गया, देखा ना ये इरर आ रहा है, क्योंकि इस नाम से कोई डाटाबेस है ही नहीं, मैंने क्या बनाया था, पाइथन डीबी बनाया था, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं अभी देखो कोई इरर नहीं हो रहा है, मतलब डाटाबेस सर्वर के साथ साथ उस पर्टिकुलर डाटाबेस के साथ भी मेरा लिंक हो चुका है और उसका एक कर्सर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और उसी कर्सर के थ्रू हम लोग यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप डाटाबेस को क्रिएट कराने का, जो काम हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को कमांड का नॉलेज देने के लिए मैं यही सब काम यहाँ से करा रहा हूँ, मतलब पाइथन से करा रहा हूँ, तो यहाँ से करना तो एकदम आसान काम है, यहाँ पे डाटाबेस में जाओ, जस्ट क्रिएट करो, न्यू करो, यहाँ पे सब जीयूआई बेस में होगा, लेकिन यहाँ से मैं करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पास कमांड का नॉलेज हो। अच्छा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप मैंने बोला हर डाटाबेस के अंदर, अच्छा और एक चीज़ है, डाटाबेस सर्वर में कितना डाटाबेस है वो तो हम लोग यहाँ से चेक कर पा ही रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं, पाइथन में भी उसको भी कोड चला के चेक कर सकते हैं, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो
जैसे डाटा, तो कितना डाटाबेस वो जानने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं और एक कमांड चलाता हूँ, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक कमांड हो गया। एक्चुअली ये सब एसक्यूएल क्वेरी है, ध्यान रखना ये सब एसक्यूएल का कमांड है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का कमांड है, मतलब डाटाबेस सर्वर में एसक्यूएल कमांड को हम लोग चलाते हैं। तो ये हो गया एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी कमांड हम लोग लिख रहे हैं वो एक्चुअली डाटाबेस का कमांड है, ये तो हो गया पाइथन का कमांड, और यहाँ पे हम लोग डाटाबेस का कमांड चला रहे हैं, ठीक है, क्वेरी चला रहे हैं। तो अगला जो क्वेरी है वो क्वेरी क्या, मैं अभी जो क्वेरी चला रहा हूँ यहाँ पे, ये जानने के लिए डाटाबेस सर्वर में कितना डाटाबेस अवेलेबल है, तो उसके लिए क्वेरी हो गया शो डेटाबेजेस, शो डेटाबेजेस, ठीक है, DATABASES। तो इससे क्या होगा, डाटाबेस सर्वर में कितना डाटाबेस है वो हम लोग जान पाएंगे, ठीक है, ये कमांड चलने से। तो देखो, तो शो डाटाबेजेस, अगर मैं इसको रन करूँ तो होगा क्या, नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो दे सकते हैं लेकिन मुझे वो डाटाबेस का नेम यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, टर्मिनल पे शो करना है। तो टर्मिनल पे अगर मुझे डाटा, देखो कमांड तो चल गया लेकिन शो कहाँ पे होगा, तुम लोग को पता है टर्मिनल पे अगर कुछ भी शो कराना है तो क्या प्रिंट कमांड देना पड़ता है, बिना इसका टर्मिनल में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ऐसे ही लिख दिया प्रिंट हाई, तो ये प्रिंट हाई कमांड क्या करेगा, टर्मिनल पे हाई मैसेज को प्रिंट करेगा। मैं रन करता हूँ यहाँ पे, देखो ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं, तो वही बात है, जो एग्जीक्यूट मैंने कर्सर डाटाबेस सर्वर में, मैंने जो इस कमांड को, मैंने इस क्वेरी को लॉन्च करा दिया, लेकिन डाटाबेस सर्वर से ये क्वेरी लॉन्च हो भी, डाटाबेस सर्वर में ये क्वेरी लॉन्च हो गया, डाटाबेस का नेम वहाँ से आ भी गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं चलाया, इसलिए यहाँ पे मैं अभी प्रिंट चला के इसको शो कराऊंगा। तो कैसे कराऊंगा, जो भी डाटाबेस का नेम वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आया, उसको मैं एक वेरिएबल पे असाइन कर दूँ। मैंने वेरिएबल का नाम, चलो ये दे दिया, क्या नाम दूँ मैं, डाटाबेस कर दिया मैंने, ठीक है, डाटा कर, चलो डाटा कर दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि ये कमांड डाटाबेस सर्वर में ये क्वेरी लॉन्च होने के बाद जो भी डाटाबेसेस वहाँ पे अवेलेबल है उसको उठा के ला के कहाँ पर रखा जाएगा, अभी यहाँ पर इस वेरिएबल पर रखा जाएगा, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा फॉर एक्स इन डेटा, अभी समझ में आएगा ये थोड़ा बाद, पहले मैं लिख लूँ प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स, मैं एक बार रन करके दिखा लूँ, बाद में समझाऊँगा तुम लोगों को, एक बार रन करा दूँ, यहाँ पे रन करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो रहा है, इटरेबल फॉर जस्ट टू इट, हाँ एक सेकेंड, हाँ क्या बोला, नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, इसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करेंगे क्योंकि माय कर्सर में ऑलरेडी वो आ चुका है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रुको जस्ट वेट, मैं इसको एक बार इंप्लीमेंट करता हूँ, मुझे यहाँ पे डाटा नहीं देना है, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, माय कर्सर करके दिखता हूँ, फिर यहाँ पे रन करता हूँ इसको, हाँ अभी देखो आ चुका है, देखा ना, मतलब इसको अलग से किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करना है, क्योंकि जब मैं माय कर्सर से एग्जीक्यूट कराता हूँ तो माय कर्सर में ही वो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो जो माय कर्सर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको मैं अभी प्रिंट करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब डाटाबेस है कि नहीं, ब्रिक्स डाटा कॉम ई कॉम, वही सब तुमको यहाँ पे, ये देखो देखो ब्रिक्स डाटा कॉम ई कॉम पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये देखो ये कमांड तुम लोग को यूज़ नहीं करना है, तुम्हारा प्रोजेक्ट में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट डाटाबेस सर्वर से जो डाटाबेसेज अवेलेबल है उसको अगर पाइथन एप्लीकेशन में अगर तुमको टाइमलाइन पर शो करवाना है तो कैसे कराना है वो दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका तुमको रियल वर्ल्ड में तुमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट में। तो ये तो जस्ट ऑप्शनल चीज़ है, जस्ट मैं तुमको सिखाया कमांड का नॉलेज देने के लिए। तो ये इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, इसका तुम लोग को ज़रूरत नहीं होगा प्रोजेक्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको लेके इतने हेडेक मत लो। तो लेकिन ये वाला ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, तो बाद में हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे इसका यूज़ कैसे करना मैं दिखाऊंगा। कमांड तो यही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि क्या होगा कि होता क्या है कि बार इस तरह से डायरेक्ट लिखने से क्या होगा, बार बार डाटाबेस ये सेम नाम से डाटाबेस क्रिएट होने का तुम्हारा वहाँ पे कमांड जाएगा और जो जो कि तुम्हारा इरर आ जाएगा। तो इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, कैसे लिखने में बाद में बोलूँगा, इसको हम लोग अलग से कंडीशन लगा के लिखेंगे। तो फिलहाल ये तो हो चुका है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है, डाटाबेस तो क्रिएट हो चुका है, डाटाबेस
हम लोगों ने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अगला स्टेप डाटाबेस के साथ हम लोगों ने कनेक्शन भी बना लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, डाटाबेस के साथ हमने कनेक्शन बना लिया। अभी इस डाटाबेस में अभी होता क्या है, हर डाटाबेस में क्या होता है, टेबल होता है। हाँ, अगर टेबल बनाया गया तभी होगा, नहीं बनाया तो होगा नहीं। तो समझ लो मेरा डाटाबेस में, मेरा डाटाबेस कौन सा भी बनाया हम लोगों ने, पाइथन डीबी, इसमें कोई टेबल है क्या? यहाँ पे देख लो एक बार, चेक कर लो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे टेबल, इस ये लिस्ट खाली है। ठीक है, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन डाटाबेस कोई पहले से कोई टेबल बना हुआ नहीं है, और डेफिनेटली नहीं भी होगा, हम लोग को नया बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिलहाल इस डाटाबेस में कोई भी टेबल बना हुआ नहीं है, तो हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे, पाइथन से करेंगे। यहाँ से करना तो एकदम आसान है, ठीक है, लेकिन हम लोग पाइथन से करेंगे। यहाँ पे जस्ट टेबल का नाम दे दो, उस टेबल में कितना सा रो होगा और डिफाइन कॉलम होगा डिफाइन कर दो और गो कर दो, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पे अगला जो कमांड सीखेंगे, डाटाबेस सर्वर में टेबल कैसे क्रिएट करना है। डाटाबेस सर्वर में जो डाटाबेस हम लोग बनाया है पाइथन डीबी, उसमें नया टेबल कैसे क्रिएट करना है। चलो, तो उसके लिए फिर से वही माय कर्सर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी एग्जीक्यूशन कराना है तो माय कर्सर को यूज़ करना पड़ेगा, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अगला जो एसक्यूएल क्वेरी हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे वो टेबल क्रिएट करने का क्वेरी होगा। तो जो भी क्वेरी होगा उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना, क्वेरी क्या होगा, क्रिएट टेबल। क्वेरी क्या होगा, CREATE, क्रिएट टेबल, ये हो गया क्वेरी, ये कमांड। उसके बाद टेबल का नेम, जैसे यहाँ पे डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस हो गया कमांड, उसके बाद डाटाबेस का नेम तुमने दिया, तो उसी तरह क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा। उसके बाद टेबल का नेम तुमको क्या देना है तुम डिसाइड करो। जैसे मैंने टेबल का नाम दे दिया, मैंने नाम दिया एडमिन। चलो, मैंने टेबल का नाम क्या दिया, एडमिन। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा कि टेबल में क्या होता है, देखो जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, मैं एक बार तुम लोग को यहाँ पे भी दिखा दूँ, जस्ट वेट, मैं तुम लोग को एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करना है। सिंपली यहाँ पे देखो, मैं टेबल का नाम दे दिया मैंने, सपोज़ डेटा नाम दिया मैंने, ठीक है, और मेरा मुझे यहाँ पे कितना कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, मैंने दो कर दिया और गो कर दिया। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से बाद में यहाँ से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हम लोग वहाँ से सीखेंगे। देखो यहाँ पे टेबल अभी हो रहा है, अभी ये जो टेबल है इसमें कितना कॉलम मैंने दिया था, दो कॉलम, उन दो कॉलम का नेम क्या होगा यहाँ पे डिफाइन करना है मुझे। जैसे मैंने पहला कॉलम का नेम रखा और सेकेंड कॉलम का नेम मैंने क्या दिया, एड्रेस दिया। ठीक है, टाइम लिमिट मेरा आ चुका है, कोई बात नहीं। चलो, सेकेंड कॉलम का मैंने नाम क्या दिया, एड्रेस दिया, और पहला जो कॉलम नेम होगा वो उसमें नेम में किस तरह का डेटा, किस तरह का कैरेक्टर, मतलब वैल्यू आएगा, इंटीजर टाइप का नहीं, कैरेक्टर टाइप का होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, वेयर कैर। ठीक है, और एड्रेस जो होगा उसमें भी किस तरह का वैल्यू आएगा, वेयर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का आएगा। और ये जो नेम वाला कॉलम होगा इसका लेंथ कितना होगा, जैसे मैंने कर दिया 200, तुम जितना भी दे सकते हो, ठीक है, इतना कैरेक्टर का लेंथ होगा ये। और एड्रेस का थोड़ा भी ज़्यादा मैंने कर दिया, इसका भी मैंने कर दिया, समझो 255 कर दिया, बाकी ये सब एज इट इज़ रहने दो। और यहाँ पे तुम इसको क्या कर दो, सेव कर दो। तो देखो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसका नेम क्या है, टेबल का नेम क्या है, डेटा है, DATA, ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है इसका नेम। ठीक है, टेबल का नेम क्या है, डेटा है, और इस टेबल के अंदर दो कॉलम हैं, एक नेम नाम का, एक एड्रेस नाम का, और उन दोनों कॉलम का टाइप क्या है, वेयर केयर का है, उन दोनों कॉलम का लेंथ कितना है, इतना है। तो ये जो मैंने किया यहाँ से किया, कहाँ से, ये ब्राउज़र से किया, लेकिन इसको मैं कहाँ से करूँगा, अभी फ़िलहाल पाइथन एप्लीकेशन से करके दिखाऊँगा। तो इसको यहाँ पे रहने दो, हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे यहाँ से। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग और वही काम यहाँ पे करते हैं। तो मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ एडमिन नाम का, और इस टेबल में क्या क्या कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा समझ लो नेम, ठीक है, और उस कॉलम का टाइप क्या होगा, नेम, उसके बाद टाइप होगा वेयर केयर। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होगा, जैसे वहाँ पे मैंने दिया था 200, मैं यहाँ पे करता हूँ 255। फिर और सेकेंड कॉलम कौन सा होगा, एड्रेस, ठीक है, ADDRESS, इसका भी टाइप क्या होगा, वेयर केयर होगा, और इसका लेंथ कितना होगा, मैंने दिया 255। तो ये तो ये हो गया कमांड, ये हो गया क्वेरी, ये क्वेरी वहाँ पे लॉन्च होगा। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद उसमें
कौन सा दो कॉलम आएगा, नेम नाम से एक कॉलम आएगा और एड्रेस नाम से, इन दोनों का टाइप और इन दोनों का लेंथ, बस इतना सा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड को लॉन्च कराएंगे। लॉन्च कराने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन को रन करना है। तो रन करता हूँ एप्लीकेशन को, तो देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, मतलब ये कमांड सक्सेसफुली, ये क्वेरी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं हम लोग, और रिफ़्रेश करके पाइथन डीबी वाला को देखो यहाँ पे पाइथन डीबी में आया कि नहीं। ये देखो आ गया, देखा ना, एडमिन नाम से एक टेबल आ गया। पहले दो टेबल है, एक तो हो गया डेटा टेबल, दूसरा नाम क्या है, एडमिन टेबल। और एडमिन टेबल को अगर तुम क्लिक करो तो यहाँ पे इसका दो एडमिन टेबल में हम लोगों ने क्या दिया, अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। हाँ डेटा टेबल, हाँ ठीक है, सॉरी नहीं नहीं ठीक है, आया आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये मेरा टू टेबल्स है, ठीक है। मुझे यहाँ पे टेबल, सॉरी मैं टेबल का, अगर तुमको इसका वो देखना है, टेबल का अगर तुमको स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग, ये है ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर से देखो दिखा दूँ। टेबल तो दो हो गया ना, एक तो एडमिन, दूसरा डेटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर मतलब इसमें दो कॉलम है, एक नेम एक एड्रेस, इसका टाइप और इसका लेंथ। और ये टेबल हम लोगों ने कहाँ से बनाया है, ये टेबल हम लोगों ने बनाया है यहाँ से बनाया है, ये वाला। तो यहाँ पे है कि नहीं, सेशन चल रहा है ना, हाँ, ओके ओके। तो ये टेबल क्रिएट करने का काम भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो पहले, नहीं यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? यस सर, हो गया ना। तो देखो ये देखो यहाँ पे भी ये वाला स्टेप भी, कौन सा स्टेप, टेबल क्रिएट करने का स्टेप भी हम लोग को एवरी टाइम एग्जीक्यूट नहीं कराना है, क्योंकि अगर इसको हम लोग इस तरह से रख देंगे तो क्या होगा, जब भी तुम एप्लीकेशन को रन करोगे बार बार सेम नाम से यही टेबल क्रिएट होने का कमांड चलेगा। तो इसको भी हम लोग को लिखने का तरीका इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कुछ कंडीशन लगा के लिखते हैं जो हम लोग बाद में प्रोजेक्ट के टाइम में करेंगे। तो फिलहाल इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, नहीं तो ये बार बार लॉन्च होगा और बार बार ये एरर दिखाएगा, इसको कमेंट कर दिया हम लोग। लेकिन जब तुमको जानना है कमांड कैसे होता है, ये हो गया उसका कमांड। तो लेकिन ये सबसे ज़रूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा बार बार, ये बार बार एग्जीक्यूशन होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होगा डाटाबेस का कनेक्ट होना पड़ेगा, कर्सर क्रिएट होना पड़ेगा, जो कि इसी दो स्टेप से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस क्रिएट करना, उसमें टेबल क्रिएट करना, ये समझ लिया हम लोगों ने। चलो यहाँ पे मेरा टाइम लिमिट आ चुका है, अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।